लोकसभा चुनाव में मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ आक्रामक रुख अख्तियार करने वाले अध्यक्ष राज ठाकरे क्या विधानसभा चुनाव में बैलेट पेपर से मतदान कराने की मांग और ऐसा न होने पर चुनाव के बहिष्कार को लेकर आंदोलन छेड़ने वाले हैं। जी हां, राज ठाकरे के बयानों से कम ऐसा ही लगता है। उन्होंने हाल ही में कहा था कि जब मैच फिक्स है तो नेट प्रैक्टिस का क्या फायदा। इसके बाद ठाकरे दिल्ली चले गए और मुख्य चुनाव आयोग के साथ बैठक के बाद बोले, हमें उनसे सुनने अपेक्षा है और आगे की रणनीति हम महाराष्ट्र में तय करेंगे। दिल्ली यात्रा के दौरान ठाकरे ने यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी से भी उनके निवास पर मुलाकात की थी। राज ठाकरे ने दिल्ली में मीडिया से बातचीत के दौरान कहा था कि 2014 से पहले जो बीजेपी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम को लेकर अदालत तक का दरवाजा खटखटाती थी, वह चुनाव जीतने के बाद मौन है। उन्होंने कहा कि चुनाव का गणित मशीन से सेट कर लेने वाला चुनाव हमें मंजूर नहीं है, इसलिए वह चुनाव आयोग से भी मिले हैं। बाद में कोई ये सवाल ना उठाए कि ईवीएम को लेकर चुनाव आयोग से कोई बात पहले क्यों नहीं की गई। अब तक कांग्रेस और अन्य पार्टी की तरफ से ईवीएम या वीवीपैट की पर्चियों को लेकर कई बार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है, लेकिन वहां से उन्हें चुनाव आयोग का रास्ता दिखाया जाता है और चुनाव आयोग इस बार के चुनाव में खुद सबसे ज्यादा सवालों के घेरे में है। चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या अमित शाह के चुनाव प्रचार के दौरान सेना या एयर स्ट्राइक या सर्जिकल स्ट्राइक के नाम पर वोट मांगने की बात हो या पाकिस्तान को सबक सिखाने वालों को वोट देने की अपील, सभी मामलों में चुनाव आयोग द्वारा मोदी और शाह को क्लीन चीट दे दी गई है। ईवीएम से चुनाव को लेकर देश भर में अनेक आशंकाएं जताई जाती रही है और अनेक मंचों पर गलत बताया जाता है। राज ठाकरे इस आंदोलन के द्वारा उन लोगों की आवाज बनाने का प्रयास करेंगे और कोशिश करेंगे। इसके पीछे एक कारण यह है कि लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान जब राज ठाकरे ने अपनी सभाओं में नरेंद्र मोदी और अमित शाह को निशाना बनाया था तो सोशल मीडिया में देश भर में उनको जबरदस्त समर्थन मिला था। लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि अध्यक्ष राज ठाकरे विधानसभा चुनाव में बैलेट पेपर से मतदान कराने की मांग को लेकर आंदोलन छेड़ने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।